नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको देने जा रहा हूँ CPL T20 की जो मैच होगी, जमैका तलवाज वर्सेज सेंट किट्स पैट्रियट्स की, उसकी टीम। तो चल ड्रीम इलेवन में और आज की टीम देख लेते हैं। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, मैच शुरू होने में लगभग 8 घंटा बाकी है और यहाँ पर मैंने सिर्फ एक टीम बनाई जिसके साथ आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों खेल सकते हैं। तो चलिए विकेट कीपर की बात कर लेते हैं। विकेट कीपर मैंने कुमार संगकारा को लिया, जो कि आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी, और काफ़ी पहले बैटिंग करने आते हैं, तो इनसे अच्छा चॉइस आपके लिए कोई और नहीं हो सकते हैं। तो बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन मैंने क्रिस गेल को लिया है, जो कि लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और इन्होंने पिछले मैच में 93 रन भी स्कोर किया था, तो ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेहद अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और मैंने सेंट किट्स पैट्रियट्स की तरफ से इवन लुईस को लिया, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है और चल गए तो काफ़ी अच्छा रन स्कोर कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि इंडिया के खिलाफ इन्होंने 129 रन मारी थी, वो पारी अभी तक कोई भूले नहीं होंगे इंडिया के फैंस। और जमैका की तरफ से मैंने लंडन सिमंस को लिया है, ये ओपनर है और आपको पता ही है कि लंडन सिमंस कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। और ग्लेन फिलिप्स को लिया है, जो कि ओपनिंग करते हैं जमैका तलवाज की तरफ से और ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पर पिछले मैच में ये 0 पे आउट हो गए थे, इनसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है। ये भी आपके लिए वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं और बीच बीच में सिंगल और चौके छक्के लगा देते हैं और अच्छा खासा रन स्कोर कर देते हैं। और चलिए ऑलराउंडर की बात करूँ तो ऑलराउंडर मैंने एंड्रयू मैकार्थी को लिया, जो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। ये भी काफ़ी अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं जमैका तलवाज की तरफ से। और मैंने कार्लोस ब्रैडफोर्ड को नहीं लिया है, क्योंकि आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आज कार्लोस ब्रैडफोर्ड तो खेलेंगे ही, पर मोहम्मद हफीज़ भी खेलेंगे और मोहम्मद शमी, जो कि पाकिस्तान के बॉलर, इनके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं खेलने के। तो आप मोहम्मद हफीज़ को अपनी टीम में ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और बहुत पहले बैटिंग भी करने आ जाते हैं। और जमैका की तरफ से रॉब वैन पॉवेल को लिया, अगर आप कहीं से क्रेडिट मेंटेन कर लेते हैं तो आप कार्लोस ब्रैडफोर्ड को ले लीजिएगा रॉब वैन पॉवेल की जगह पे, नहीं तो मोहम्मद नबी भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर मुझे लगता है रॉब वैन पॉवेल ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होंगे आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है जमैका की ज़्यादा विकेट गिरेंगी। तो बॉलर की बात करें तो बॉलर मैंने केजरिक विलियम्स को लिया है। केजरिक विलियम्स आपको पता ही होगा कि काफ़ी अच्छा बॉलिंग करते हैं जमैका की तरफ से, और मैं आपको पता था हसन अली के आज बहुत ही कम चांस है खेलने के, तो मैंने बॉलर में केजरिक विलियम्स को लिया है। और फिर क्रिसिमार सांटोकु को लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा डेथ बॉलिंग कर लेते हैं और अच्छे खासी स्लो वंस बॉल फेंकते हैं और उनसे विकेट भी निकाल लेते हैं। और फिर मैं तबरेज़ शम्सी को लिया है, जो कि सेंट किट्स पैट्रियट्स के काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं, और आप चाहें तो तबरेज़ शम्सी की बदले बेन हेल्फना हाउस को भी ले सकते हैं। हेल्फना हाउस भी काफ़ी अच्छे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं और डेथ ओवर में विकेट निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे हेल्फना हाउस को ले लेता था। चलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लें तो कैप्टन मैंने बनाया है क्रिस गेल को। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और पिछले मैच में इन्होंने 93 भी रन स्कोर किया था। और वाइस कैप्टन मैं संगकारा को बना रहा हूँ, आप चाहें तो वाइस कैप्टन एंड्रयू मैकार्थी को ही बना सकते हैं, पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन संगकारा ही होंगे। तो ये थी मेरी आज की टीम, आप चाहें तो इस टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज भी कर सकते हैं, आपको जैसा लगे आप वैसा कर दीजिएगा। और मैं आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता दूं फिर से कि आज मोहम्मद हफीज़ खेलेंगे और मोहम्मद शमी के भी खेलने के चांस है बहुत ज़्यादा, और हसन अली के बहुत ही कम चांस है कि वो खेलें, क्योंकि क्रिस गेल ने कहा था कि सिर्फ हफीज आए हैं अभी, पर हसन अली के बहुत कम चांस है खेलने के लिए, इसलिए आप हसन अली को ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हैं। तो मैं और आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे हर मैच में प्लेइंग 11 और जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता हूँ वो लिख देता हूँ, आप चाहें तो उसमें से देख के अपने टीम बना सकते हैं और आप चाहें तो मेरी टीम के साथ भी जा सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इस टीम से अच्छा खासा विन करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना अमाउंट जीता, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।